मैं हूँ आपके साथ योगिता शर्मा और ये खबर आ रही है जयपुर से, जिसमें चाकसू इलाके में गुरुवार रात बदमाशों ने एक बैंक का एटीएम तोड़कर लूटने का प्रयास किया है। कामयाब नहीं होने पर बदमाश वहां से भाग निकले। वारदात के समय एटीएम में पौने 11 लाख रुपए की नकदी होना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कोठवारदा मोड़ पर बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम लगा हुआ है। देर रात बदमाशों ने गार्ड की मौजूदगी नहीं होने और सुनसान जगह में एटीएम लगा होता देख उसे चिन्हित किया। बदमाश एटीएम बूथ में घुसे और भारी वस्तु से मशीन तोड़ने का प्रयास किया और सेफ नहीं टूटने पर बदमाशों के हाथ नकदी नहीं लग सकी। काफी प्रयास के बाद भी विफल होने पर पकड़े जाने के डर से बदमाश खाली हाथ ही वहां से भाग निकले। शुक्रवार सुबह एटीएम पर रुपए निकालने गए व्यक्ति को इसका पता चला, जिसने पुलिस को वारदात की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और पुलिस को बैंक प्रशासन ने बताया कि एटीएम में 11.25 लाख रुपए बचे हुए थे, जो सुरक्षित है। पुलिस एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ बदमाशों की तलाश कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।